हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, ठीक हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि मैं आज आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, आप भी एक बार देखोगे तो मतलब क्या सोचोगे आप, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या सोचा आपने चीजों को देखने के बाद। तो चलो पहले हम आपको अपनी घर की दशा दिखा देते हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, मतलब क्या था और आज क्या हो गया, मतलब कहां से हम कहां चले आए, कैसे हो गया, ये सब आप देख लीजिए पहले घर की दशा। उसके बाद मैं दिखाती हूं आपको कि मेरे बच्चों की गलती क्या थी, क्या मेरे बच्चों की गलती की मुझे यही सजा मिलनी थी कि इससे कम भी कुछ हो सकता था, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन पहले आप मेरे घर की स्थिति अभी देख लीजिए और मेरे बच्चों ने जो गलती करी है वो गलती आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताती हूँ। तो चलो पहले आप हमारे घर की। तो फ्रेंड, ये है हमारे घर के आज की स्थिति और आप देख सकते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ इसको, कुछ भी समझ में नहीं, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस देखिए क्या किया और आगे मैं दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों ने गलती क्या करी थी जिसकी वजह से आज ये सब हुआ, मुझे ये दिन देखना पड़ा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि आज मेरे घर की स्थिति क्या हो गई है, क्यों किया, किसने किया, कैसे हुआ, ये सब मैं बताऊंगी अभी आपको आगे। पहले ये देख लीजिए कि देखो हमारा अच्छा खासा बना बनाया घर जो है वो बिखर गया है बिल्कुल एकदम से, मतलब बिल्कुल सब कुछ देख रहे हैं आपके सामने ये। और मेरे बच्चों की गलती ये है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये मेरे बच्चों ने गलती करी थी और आज की गलती नहीं थी। जो सज़ा मुझे आज मिली है ये आज की गलती नहीं थी, ये गलती थी अभी 7-8 महीने पहले की थी, पर सज़ा इसकी मुझे आज मिली है। मतलब मुझे क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस आप देखिए। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे बच्चों ने क्या किया, जो भी किया ठीक नहीं किया, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि मेरे बच्चों ने ऐसा किया, पर उस टाइम शायद मतलब मैं होती तो ये नहीं होता, उस टाइम मैं थी तो यहीं पे। मैं आपको बताती हूँ, शुरू से मैं आपको डिटेल देती हूँ। मेरे बच्चों ने जब ये किया, ये कांड किया था बच्चों ने, वो होली के 4-5 दिन बाद की बात है, 4-5 दिन, 3-5 दिन के बीच की बात है। जब मतलब मैं ना सप्तमी थी, शीतला सप्तमी सी होती है, उसकी मैं ना पूजा कर रही थी शाम के टाइम, शाम के 5-6 बज रहे थे, मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी मेरे हिसाब से शायद उस टाइम। पता नहीं बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बहुत तंग, तो मैंने ना थोड़ा सा गेट खोल दिया, मैं बोली ठीक है आप लोग जाओ बालकनी में खेलो। बालकनी में खेलते खेलते बच्चे पता नहीं कब छत पे चले गए, मुझे नहीं पता चला। और छत पे एक लीटर पेंट का डब्बा रखा हुआ था, बच्चों ने वहां खूब होली खेली, क्योंकि इन्होंने 2-4 दिन पहले होली खेली थी, इनको लगा कि ये भी होली खेलने की चीज है, इन्होंने खूब पेंट की होली खेली, मतलब जो भी आप देखा वहां अपने पैरों हाथों से इन्होंने छाप मारा, सब कुछ किया। फिर उस टाइम हमारे मकान मालिक जो है वो यहाँ पे नहीं थे, अपने घर पे थे, तो जब वो आए तो उन्होंने देखा होगा, शायद देखा होगा, वैसे वो जल्दी से छत पे नहीं आते पर देखा होगा उन्होंने, तो वो मुझे बोलने लगे कि ये क्या हो गया, उन्होंने बहुत आराम से बोली कि ये क्या हुआ। तो मैंने बोला कि भैया बच्चों ने कर दिया, मतलब मेरे से हो गई गलती, मेरे बच्चों से, अब जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ मतलब क्या करना है। तो बोले कुछ नहीं हो जाता है, बच्चों से हो जाता है। मैंने भी चलो बात को वहीं खत्म कर दिया, बात खत्म, बहुत दिन बीत गया। इसके डैडी भी आए, इस टाइम तो लॉकडाउन वगैरह था तो कुछ भी नहीं किया, पर इनके डैडी जाते जाते बोले कि ऐसा करना दीपावली तक आप इसको ना मतलब साफ सफाई मतलब करवा देना। तो वैसे तो हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे 1 साल रहते हुए हो गया, मुझे कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मकान मालिक से, कभी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमें, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बोलते ना कि जब कोई पड़ोसी कान में जहर भरने के लिए मिल जाए, या कोई ऐसा हो कि जो कान में जहर भर दे, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, तो शायद वही हुआ हमारे साथ भी। तो हमारे जो आसपास में ही किसी ने इनको भरा, मुझे पता है, मतलब जो भी है। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे ना नाली में, बाथरूम की नाली है, उसमें कचरा सा हो गया था या जो भी है, वो ना पानी बहना बंद हो गया था, पानी उसमें से, मैंने हमने ए सी की 3-4 बोतल डाली, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
तो मैंने बोला कि भैया, जब एक महीने हो गए तब मैंने बोला कि भैया ये ना मतलब नाली जो है ये सही नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ठीक करा दो। इन्होंने नाली वाले साफ करने वाले को बुलाया, नाली साफ करने वाले ने 350 रुपये लिए शायद इनसे। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा मैं इनको बिल बना के देती थी कि भैया मेरे कमरे का किराया ये हुआ, मेरे बिजली का बिल ये हुआ, एक्स्ट्रा ये हुआ, ये मैं देती थी। और उस बार ये मुझे टाइम से 2 दिन पहले ले आके मुझे बिल दे रहे हैं, मतलब लिस्ट दे रहे हैं कि आपका कमरे का किराया इतना हुआ, बिजली का बिल इतना हुआ, फिर कूड़े का इतना हुआ, उसके बाद 350 नाली का हुआ है वो अलग से हुआ। तो मैं चौंक गई, मैं बोली नाली का आप मुझसे बोल लोगे? तो बोले हाँ आप रह रहे हो 1 साल से तो आपसे ही लेंगे, और नाली में ना बाल निकला था तो इसलिए मुझे लेना है। अच्छा, मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर इन्होंने जाते जाते मुझे बोला कि आपके भैया से पूछना कमरे के पेंटिंग के बारे में। मैंने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगी। फिर क्या हुआ, मैंने इसके मैंने पूछा भैया पैसे वैसे देने हैं? इन्होंने बोला नहीं देने, बस आप पूछ लेना कि करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने ठीक है पूछ लिया। उसके बाद 2 दिन बाद एकदम से आ रहे अचानक से, बोले आपने भैया से पूछा था कमरे के लिए? मैं बोली हाँ। तो बोले मैं ना एक दो लेबर से बात किया हूँ, वो ना 8,000 रुपये की बात कर रहे हैं, तो इतना आपके बच्चों ने 8,000 रुपये की बात करे। तो मैं बोली भैया आप पैसे मतलब क्यों बता रहे हो मुझे? तो बोले आपको देना है, आपके बच्चों ने किया है आपको देना है। मैं तो एकदम सॉफ्ट सी हो गई, भाई ऐसा कैसे एकदम से, और इतने का सिर्फ 8,000 रुपये। और तो फिर मैंने बोला कि जो है ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसके डैडी को बोला, इसके डैडी ने बोला कि कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक है हाँ कर दिया। पेंटिंग वाला आया, अभी देख ही रहे हो आपने, पेंटिंग वगैरह कर दी। और ये जो हमारी घर की स्थिति हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि जब पेंटिंग वाला आया तो हमारे घर की पेंटिंग में 4-5 दिन लग गए। 8,000 रुपये में मैंने आगे का करवाया, पीछे का करवाया, ये करवाया, रूम में भी बच्चों ने कर रखा था, आप लोगों ने देखा होगा इधर पीछे कि बच्चों ने कर रखा था, तो उसका भी लिया मुझसे चार्ज, रूम का भी कुछ मेरे से लिया। तो अब बताते मेरे घर की जो स्थिति हुई वो इसलिए हुई क्योंकि पेंटिंग वाले ने 5 दिन लगा दी घर की पेंटिंग करने में, एक दिन आगे एक दिन पीछे, और एक दिन जो है वो उधर का कुछ ठीक कर रहा था, उनका बाथरूम बगल जो रूम है उसमें कर रहा था, और 2 दिन हमारे घर में एक दिन पुट्टी वगैरह का काम किया था, मतलब ऑल ओवर पुट्टी नहीं किया था, कहीं कहीं जहां जरूरत थी वहां पुट्टी किया था। तो उस दिन हमें यहाँ इस कमरे से सामान सब उठा के मुझे बगल वाले कमरे में शिफ्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से, और पता है एक दिन में केवल पुट्टी हुई थी, तो अगर मैं फिर इस कमरे में सामान ले आती तो मुझे फिर उतना ही प्रॉब्लम करना होता, बेड बेड अगर मैं सेट करती तो फिर मुझे उतनी ही प्रॉब्लम होती। इसलिए हम लोग पूरी रात उसी कमरे में रहे और अंधेरे में रहे बिल्कुल। खाना वाना तो किचन में बना लिया था, पर सोने के लिए हम उसी कमरे में रहे, अंधेरे में पड़े रहे। और कल हमारा रूम जो है वो एकदम से मतलब ठीक ठाक हुआ है। तो आज सुबह हमने रूम की खूब अच्छे से झाड़ू पोछा करी, सब कुछ करी, वो क्योंकि डॉट डॉट हो जाता है ना हर जगह, वो सब करी है। आज मैं उस कमरे से सामान लेके आई हूँ सुबह इधर, और इस सामान का मेरे बच्चों ने ना कचूमर कर दिया इस सामान का। अब मैं जस्ट इस सामान को उठाऊंगी और जगह टू मतलब जहाँ जहाँ इनकी जगह है, सही स्थान है, वहाँ पे मैं सेट करूँगी इन सामान को। तो बस यही है, आप लोग बताना कि मतलब मेरे जो मकान मालिक हैं उन्होंने मेरे से पैसे लेके ठीक किए कि नहीं किए। कुछ लोग बोलते हैं आपको पैसा नहीं देना चाहिए था क्योंकि मकान मालिक ने आपको पेंट करा के नहीं दिया था शुरू में, जब आपको उन्होंने दिया था तो पेंट करा के दिया था, नहीं दिया था तो आपको नहीं देने चाहिए थे पैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हाफ हाफ के लिए बोल देते, लेकिन मैंने तो पैसे दे दिया, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो आप लोग मुझे सजेशन देना, तो मुझे हो सकता है हिम्मत मिली, नेक्स्ट टाइम मैं जब किराए का दूं तब मैं बोलूंगी एक बार जरूर कि भैया आपसे मतलब मुझे हाफ लेते आप मेरे से, या जो है उतना मतलब कुछ भी होता है ना, जब कोई कभी कभी ऐसा होता है जब काम हो जाता है उसके बाद मुझे कुछ चीजें याद आती है, नहीं तो उस टाइम में पता क्या बोलते, आप रहने दीजिए बच्चों के पापा आएंगे वो कर देंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया छोटी मोटी चीजों के लिए ना। तो बस यही आप लोगों से बताना था कि इसीलिए हमारे घर में आजकल थोड़ा फैलाव ज्यादा है, पूरा जो सामान जहां वहां दिख जहां तहां हो गया है। तो बस जैसे, और इसीलिए मैं बहुत बिजी भी हूँ, तो जैसे ये सब ठीक होती है सब कुछ सेट होने में टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि लग जाएगा हफ्ता, क्योंकि पर्दे वगैरह भी हमने सब कुछ हटा दिए हैं, तो सब कुछ धुलूंगी मैं, सब कुछ फिर करूंगी, मेरे पास मशीन भी नहीं है, हाथ से ही सब कुछ करना है।
तो जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता है फिर वहां दीपावली की आ जाएगी, अभी एक महीने है दीपावली, तो फिर मुझे दोबारा से कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जैसे किचन फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे पर्दे भी फिर से धुलने पड़ेंगे क्योंकि वही दीपावली है, साल में एक बार आती है। पर हाँ अभी के लिए ठीक है जो भी है। तो बस यही बातें थी और यही मुझे आपसे बात करनी थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।